टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी, नाम बहुत कंफ्यूजन है, सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो तो पीछे भी आया था, तो हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो 2018 के बारे में। नाम बहुत लंबा है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, और मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि यार सैमसंग खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सैमसंग के जो फोन्स होते हैं ना उसमें सैमसंग गैलेक्सी तो कॉमन होता ही है, उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी J2 प्राइम प्रो लाइट, मतलब इतने सारे एडिशन है उसमें कि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सा फोन वो लॉन्च करने वाले हैं। तो खैर, यहाँ पे आपको भी बहुत सिक्योर होने की जरूरत है और आपको भी बहुत क्लियर होने की जरूरत है कि अगर आप कोई सैमसंग का फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर नाम पता हो कि वो कौन सा फोन आपको बेच रहे हैं, क्योंकि अगर नाम नहीं पता है तो फिर आप लेने कुछ और जाओगे, लेके कुछ और आ जाओगे। तो चलिए भाई, ये तो सैमसंग की शुरू से दिक्कत रही है, मतलब कि उनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो इतना बड़ा है कि हर बंदा कंफ्यूज रहता है। इवन सैमसंग के बंदे को भी आप पूछोगे ना, भाई कौन कौन सा फोन बनाते हो आप, बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा, रुक जाओ देख के बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो 2018 के बारे में। तो देखिए, यहाँ के फोन के नाम में जितना दम दिख रहा है ना वो फोन के अंदर नहीं है। फोन का नाम प्रो है लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो सारे लाइट वाले हैं, मतलब इनका उल्टा चलता है, लाइट वाले में अच्छे फीचर्स आते हैं, प्रो वाले में गंदे फीचर्स आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, और इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, बात करें इस कोरियन फोन की, तो अभी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में भी आने वाला है, फिलहाल ये वियतनाम में अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करें लुक और फील की, तो भाई सैमसंग का कोई भी फोन उठा के देख लो आप, जो मिड रेंज के फोन है वैसा ही लुक फील मिलता है यहाँ पे, मतलब कोई नई चीज देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए, बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 540x960 का QHD डिस्प्ले, मतलब कि ये भी फुल HD नहीं है ना ही HD है, ये दोनों के बीच में है QHD। इसके साथ यहाँ पे सुपर AMOLED स्क्रीन मिल जाएगी आपको, जो इसकी USP है, मोस्टली सैमसंग के फोन में आपको देखने को मिलती है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको 1.4 GHz का काम चला हुआ एक मिड रेंज प्रोसेसर मिल जाएगा, जिससे आप बेसिक लाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं। और अगर बात करें रैम की, तो यहाँ पे आपको 1.5 GB का रैम मिलेगा, 1.5 GB, मतलब रैम भी पूरा नहीं दिया यार, ये प्रो के साथ मैच हो रहा है, आप मुझे बताओ प्रो के साथ कहीं भी मैच हो रहा है, एक जगह इन्होंने यूज किया है प्रो, रैम 1.5 GB। तो भाई रैम मिल जाएगा 1.5 GB का, और रोम मिल जाएगा यहाँ पे 16 GB का, जो कि एक्सपेंड हो सकता है एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के 256 GB तक, जो कि नई बात नहीं है, तो उसको हम जल्दी से स्किप करते हैं। अगर बात करें लेंस सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको बैक में मिल जाएगा 1 MP का कैमरा, फ्रंट में 5 MP का कैमरा, दोनों में F2.2 का अपर्चर मिल जाएगा, और इसके साथ और कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे फ्रंट फेसिंग फ्लैश है आपको, पीछे भी फ्लैश है, तो आपकी जो सेल्फी है अंधेरे में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी, और रात में जो लो लाइट फोटोग्राफी करते हो वो भी थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्सलेंट उम्मीद मत करना आप इससे। कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो सारे फोन में देखने को मिलती है। इसके साथ ही फोन इंडिया में लॉन्च होगा, इसमें वोल्टी सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, USB 2.0, फास्ट चार्जिंग नहीं है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सेंसर्स की बात करें, तो यहाँ पर सारे बेसिक सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे खो चुका है प्रो के अंदर। इसके बाद बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2600mAh की, मतलब 2600mAh की बैटरी, जो क्लेम करती है कि आपको 16 घंटे का टॉक टाइम देगी और 14 घंटे का वीडियो प्लेबैक देगी। भाई ये क्लेम करती है, पता नहीं कौन से एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर ये चेक करते हैं कि ये 2600mAh की बैटरी इस मिड रेंज प्रोसेसर के साथ और QHD स्क्रीन के साथ ऐसी बैटरी बैकअप देगी आपको, तो ये कमाल की बात है, लेकिन ये नहीं मिलने वाली है। तो चलिए, यहाँ पे अब खत्म हो गई सारी स्पेसिफिकेशन, और इसके बाद इस फोन में आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता है। और बात करें अगर यहाँ पे इस प्रो फीचर की, मतलब ये सारी प्रो चीजें, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तकरीबन 10,000 के आसपास। तो भाई 10,000 में ये सारे प्रो फीचर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि इस फोन को गाली देने का मन कर रहा होगा, कुछ ना कुछ बताने का मन कर रहा होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। उसके साथ अगर मैं अपने ओपिनियन दूं J2 प्रो के बारे में, 2018 के बारे में, अगर ये फोन 10,000 के आसपास आता है तो भाई मेरे हिसाब से घटिया फोन है, क्योंकि 10,000 में आपको बाकी फोन्स में सब कुछ देखने को मिलता है। बात करें सैमसंग की क्वालिटी की, तो अब भाई वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एक टाइम पे था कि सैमसंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, आप सैमसंग का कोई भी फोन उठा लो आपको बैटरी बैकअप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ बहुत अच्छा स्टेबल मिलता था। लेकिन अभी क्या है, एक साल होता नहीं है कि सैमसंग के फोन दम तोड़ देते हैं वहीं पे, आधे तो फोन का मुंह खुल जाता है, कैमरा फेल हो जाता है, बैटरी फेल हो जाती है। तो भाई सैमसंग की जो क्वालिटी है ना वो अभी वैसी नहीं रही। उसके बाद अगर सैमसंग ही सोचता है कि 10,000 में अगर वो फोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो पता नहीं उनकी क्या एनालिसिस है, क्या सोच के वो फोन लॉन्च करेंगे इंडिया में, लेकिन अगर करेंगे तो देखना होगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि अगर आप बात करो 10,000 में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, मतलब रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है, टेनोर डी है, माइक्रोमैक्स है, इन सब के अंदर इससे ज्यादा फीचर, इनफैक्ट इससे डबल फीचर, इससे अच्छी रेजोल्यूशन, इससे अच्छी बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, और भी अच्छा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई 10,000 में कोई ये फोन क्यों लेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फोन कितना अच्छा है, कितना घटिया है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। इसके बाद जो इफेक्ट करती है वो होता है आपका ओपिनियन कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हो। मेरे हिसाब से ये फोन वर्थ इट नहीं है अगर ये 10,000 के आसपास आता है। अगर आता भी है तो देखते हैं फिर उस टाइम पे और क्या ऑप्शन होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।